गाइस भूत का बच्चा की जबरदस्त सक्सेस और आप लोगों की जबरदस्त डिमांड के बीच हम लोग आपके लिए लेकर के आ गए हैं और भी बहुत सारे इनाम भूत के बच्चे के जैसे जो कि है यहाँ पर भाई हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग डिफरेंट तरीके के इनाम है जो कि तगड़े तगड़े नाम है यार। मेरे को तो देख देख के हंसी आ रही है। मैं अभी आपको सारे के सारे दिखाता हूँ और इसके बाद में इनको खोल करके भी दिखाएंगे। तो भाई शुरुआत करें तो यहाँ पर है बंदर मामा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। बंदर मामा गए, बंदर मामा दूर के नहीं, चंदा मामा दूर के। चलो नागिन। इसके बाद हमारे पास में धाकड़ छोरी सपना चौधरी धमाका और उसके बाद में लिटिल सिंघम। तो भैया आज इन इनाम को हम खोल करके देखने वाले कि इन सभी के अंदर क्या इनाम निकलती है और क्या खिलौने निकलते हैं, क्या पिछली बार की तरह ही रहेंगे या फिर कुछ नया निकलेगा, भूत के बच्चे से कितना अलग होंगे। तो फटाफट जो शुरू करते हैं आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो अभी के अभी ठोक दो यार अपने छोटे भाई की मेहनत के लिए, प्लीज जल्दी से लाइक दबा दो। तो फटाफट शुरू करते हैं अब। दोस्तों मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं यार हंस हंस के पागल हो गया था जब मैं ये इनाम लेके आया था। मतलब यार इनके जो नाम है वो यार इतना पता नहीं कहाँ से ये लोग दिमाग लाते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं भाई, आप लोग भी हंस हंस के पागल हो जाओगे डेफिनेटली। तो मैं आपको पहले तो इनके नाम दिखा देता हूँ, शुरुआत करते हैं इधर से। तो ये है भैया बंदर मामा। बंदर मामा फटा पजामा, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये रखता है। मैंने पता है पहले मैं लाया था, मैंने सिर्फ बंदर मामा देखा था, घर आके देखा फटा पजामा भी नीचे एडेड है। वो क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे साइड में सिर्फ बंदर मामा लिखा है तो आकर के देखा तो फटा पजामा और साथ में मिला हमको यहाँ पर जो है बंदर मामा की तस्वीर बनी हुई है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, नीचे भी 3-4 बंदर बने हुए हैं, इधर भी 2-3 बंदर हैं, पीछे की साइड में कुछ नोट्स है। तो देखते हैं कि इस इनाम के अंदर क्या निकलेगा, लेकिन उससे पहले दूसरे इनाम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नागिन। दोस्तों ये है नागिन, टाइप का कुछ जो है इसके अंदर, देखते निकलता है नहीं निकलता। कौन सी एक्ट्रेस है मुझे पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता, देखो साफ साफ बात है। लेकिन ये है नागिन खजाना और इसके पीछे भी नागिन खजाना लिखा हुआ है। तीसरे की तरफ आते हैं, खतरनाक नाम देखो यार नागिन। उससे अगला हमारे पास में है धाकड़ चोरी सपना चौधरी खजाना। मतलब सारे खजाना तो हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सपना चौधरी की फोटोज लगी हुई। अब देखने वाली बात हुई भैया इसमें इनाम निकलेंगे या फिर सपना चौधरी निकल जाए, कुछ भी है। तो इसको भी रखते हैं। और चौथा है लिटिल सिंघम। दोस्तों ये जो है इसी टाइप की पैकेट है लेकिन इसके ऊपर लिटिल सिंघम लिखा है। यहाँ पर बहुत सारे लिटिल सिंघम बने हुए हैं। सिंघम मूवी सलमान खान वाली थी क्या? अच्छा देवगन की मैंने नहीं देखी यार, मैंने सलमान की देखी है, वो कौन सी थप्पड़ से डरने लगता वाला वो देखा है मैंने, हाँ दबंग ये नहीं देखा। लेकिन आप लोग देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग है। दोस्तों ये जो है एक जो बड़ा पैकेट है, सारों के अंदर 30 छोटे पैकेट आते हैं, ठीक है, एक के अंदर 30 छोटे पैकेट आते हैं। जो छोटा वाला पाउच होता है उसकी कीमत 5 रुपये होती है, बच्चे 5 रुपये में खरीदते हैं और फिर उसको खोलते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या निकला है। अंदर किसी को नहीं पता क्या निकलेगा लेकिन कुछ आपको पता है, जैसे भूत का बच्चा में निकली थी, छोटे मोटे आइटम हर किसी में निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली नाम के साथ में, यानी कि बंदर मामा के साथ में। मेरी अगर बात करें तो मुझे इन सभी में जो सबसे खतरनाक नाम लगा है वो यही लगा है, बंदर मामा फटा पजामा। तो बंदर मामा फटा पजामा को जल्दी से फाड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। अबे भाई फाड़ने के लिए तो दे दो, हाँ कुत्ता भगा ले, फाड़ने के लिए मत दो मुझे, अबे कुछ दे दो काटने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो बंदर मामा है यार, मेरा काटने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ देखो बंदर की फोटो पर क्या करे, अरे तेरे को यही मिला था, कुछ ढंग का दे दे यार। एक बात है टिकटॉक तो बंद हो गया लेकिन लोगों की आदत नहीं सुधरी अब तक। तो गाइस इस तरीके के छोटे पैकेट्स निकले हैं बंदर मामा के अंदर। और यार एक बात बताऊं आपको, जो भूत का बच्चा था ना उससे क्वालिटी बेटर है यार इनकी, देखो इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। हो सकता है खिलौने जो है अंदर मुझे नहीं पता कैसे निकलेंगे। यार इनको पकड़ ले यार, ये सारे जो है इधर आ जाते हैं, बस एक मिनट के लिए पकड़ के रख ले क्योंकि मैं एक पैकेट आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। देखो 30 पाउच ऐसे, 10 ये रहे, 10 ये रहे और 10 नीचे रहे। तो एक को खोलते हैं शुरू में, ये 5 रुपये का मिलता है, इसको पेपर कटर की मत, देखो इस पर 5 रुपये लिखा भी है। और इधर जो है एक बंदर मामा बना हुआ है और पीछे बंदर मामा ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं और अरे वाह गाइस, इसके अंदर एक सुपर बाइक निकली है जिसका साइज भी डिसेंट है।
यार उससे तो बढ़िया ये, उसमें तो इतनी इतनी बाइक थी कि देखो कितने बड़े साइज की है और 5 रुपए का इनाम है, घूमते भी हैं तो नहीं यार, हाँ हाँ पिछला टायर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है गाइस ये जो है ये तो आवाज भी कर रही है, देखो ऐसे ऐसे आवाज करती है जैसे बाइक चलती हो, देखो ये एक्चुअली इसके जो टायर्स है वो टेबल के साथ में रगड़ के ऐसी आवाज कर रहे हैं, इस पे दो लोग परमानेंटली चिपक करके बैठे हुए हैं देखो तो। और इसके अंदर क्या निकला भैया, इसके अंदर ये छोटी मोटी यार गोलियां भी थी जो कि हमने छोड़ दी, अरे यार इसमें ऐसी गोली है, ओहो हो हो गाइज यहाँ पर डिफरेंस है बिल्कुल पिछली बार से। इसके अंदर देखो ये छोटी छोटी इस तरीके की चूरन टैबलेट्स हैं या क्या हैं पता नहीं भाई, इसके अंदर ये निकली है, ये मीठी गोली होनी चाहिए और ये इसके अंदर भैया कूपन निकले 2000 रुपये के, ये देखो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय चिल्ड्रन बैंक 2000 कूपन, गांधी जी की तस्वीर है लेकिन कहीं से भी ये जो है असली नहीं लग रहा, कहीं से असली नहीं लग रहा, बिल्कुल नकली लग रहा है, नकली नोट भी नहीं है यार, ये कूपन है। और ये जो गोलियाँ थी छोटी छोटी, एक बार इनको देखते हैं टेस्ट करके, ठीक है तो बचपन में आती थी ना हमारे पास में मीठी वाली, ठीक है लेकिन यार बच्चों की फेवरेट। अभी बंदर मामा को खोलेंगे, अभी बंदर मामा को तो साइड कर दो, ऐसे साइड कर दो ठीक है अब जो है अभी धाकड़ छोरी सपना चौधरी पर आते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो भाई इसको भी वैसे ही खोलते हैं। यहाँ पर ये है धाकड़ छोरी सपना चौधरी के बहुत सारे पैकेट, तो भाई साहब इस बार ये चीज निकली है इसके अंदर, इस बार इसमें 2 पाउच निकले हैं गोलियों के, लेकिन ये अलग ही नाम है, ये जो है भूत का बच्चा नहीं है, ये सपना चौधरी है नाम भी है, कैसे रखते हैं ये लोग धाकड़ छोरी सपना चौधरी, छोरी का मतलब होता है लड़की हमारी राजस्थानी हरियाणवी में, ये तेरे को आ रहा है यार इसको कहाँ से आएगा ये यार बच्चे के, देखो ये बिल्कुल बच्चे के उस पर ही आ सकता है, इसमें अगर मैं अपनी एक आंख लाता हूँ तो दूसरी तो मेरे नाक को आती है एकदम छोटा है मास्क है ये, मैं निकलते सोचा मैं कहीं क्या है, अभी देखते हैं, लेकिन इसने पहले देख लिया। और भाई यहाँ पर जो है यार इन्होंने ये जो है सस्ते कूपन दिए, इन्होंने 10-10 रुपये के 2 कूपन दिए, तो ये निकला है एक सपना चौधरी के अंदर। अब एक बात आपको बता दूं, सब में ये नहीं निकलेगा, कुछ में और अलग चीज़ें निकलेंगी, कुछ में पता नहीं क्या क्या टॉयज निकल सकते हैं, तो वो सारा देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एक पैकेट खोल के दिखा रहा हूं। तो अब आते हैं कौन से पे, नागिन पे, लाओ नागिन, नागिन पे है आपके सामने, इसको साइड में गाइज अभी हम नीचे ही जो है सबको खोलने वाले, इसलिए गिरा रहे ठीक है, कहीं आप सोचोगे ये लोग अभी पैक क्यों रहे इनको, हाँ ठीक है। तो ये खुल गई नागिन, खुल जा नागिन, आ गई बाहर, पैकेट खोल लिया, इसको भी खोल लेते हैं, नहीं फटा काट दिया, बाहर निकल गया सब कुछ यार मैंने खूब कोशिश की कि एक बार में खुले, लेकिन ये पता है देखो किस्मत मेरी खराब इतनी कि मैंने इसको पूरा काट दिया, लेकिन साली जो पैकिंग है वो और नीचे कर रखी है इन्होंने, यहाँ पैकिंग कर रखी है, तो मेरी गलती थोड़ी है यार इसमें, थोड़ा और नीचे से हमने खोला और यहाँ पर निकालते हैं कि क्या निकला है नागिन के अंदर, कोई सांप वांप का बच्चा है क्या इसमें। हाँ इसमें जो है ये तो अपने भूत के बच्चे वाला बैडमिंटन का रैकेट है ठीक है, और ये इसमें निकली है लाल इमली। गाइस सच्ची में यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है यार, जो भूत के बच्चे में नहीं थी, लाल इमली निकली है यार। इसको तो मैं अभी टेस्ट करना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है जो पहली बार आई है इन सभी में। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये तो वही है यार, है तो वही गोलियां लेकिन नाम लाल इमली, एक बार टेस्ट कर लेते हैं वही होंगी। अरे यार भाई बिल्कुल सेम है यार बिल्कुल वही गोलियां हैं, नाम लिख के हमको पागल बना रहे सब, देखो वैसी गोलियां है और नाम जो है इसके ऊपर इन्होंने लाल इमली लिख रखा था। चलो कोई नहीं, अब बारी है क्या था लिटिल सिंगम का खजाना की, ठीक है नाम भूल गया भैया। तो ये लिटिल सिंगम का खजाना, देखो देखो कितना मेरा काटने की जो है स्ट्रोंग होगी है पावर मतलब पैकेट काटने की, ठीक है। तो यहाँ पर भी 30 पैकेट निकले हैं और यहाँ पर जो है एक पैकेट को खोलते हैं, लिटिल सिंगम जी का खजाना, नहीं लिटिल सिंगम का खजाना जी मैंने लगा दिया, तो इसको भी खोल लेते हैं। और अगर इसमें भी वही निकली तो भैया
डायलॉग कुछ ऐसा होगा कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ खुली बटन रखी है, ये 5 रुपए की नाम है। इसमें एक इस तरीके की यार ये साइकिल सस्ती वाली जो भी है लेकिन बिल्कुल अलग वाली है। देखो एक बार यार आप सोचो अगर 2 बच्चों को ये मिलेगी, जिसको ये मिलेगी वो बच्चा इसको कितना चिढ़ाएगा कि तेरे को देख क्या मिली है और मुझे इतनी बड़ी बाइक मिली है। ये वाली बाइक सच्ची में बहुत ज्यादा कुपोषित लग रही है। देखो यार इसके टायर देखो एक बार, मतलब कितने बल्ले, मतलब इसका जितना एक टायर है ना उतनी तो ये पूरी है। अब सारे पैकेट्स को खोलते हैं भाई, टोटल के टोटल को, और फिर आपको बताते हैं क्या है। और इन्होंने कर दी हमारे लिए आफत। ओ तेरी गाइस, यहां पर देखो एक इसमें वाइपर निकला है जो कि यार देखो छोटा सा है और एकदम बिल्कुल बढ़िया शेप में, मतलब यार नई नई चीज़ें निकल रही है। देखो एक बार, मतलब जो छोटा सा वाइपर है इसके ऊपर ऐसा जो असली वाले वाइपर पे होता है ना वो भी लगा है। तो गाइस यार कमाल की निकल रही है इसमें। तो चलो भाई चलते रहो। क्या निकला है देखो, जेट प्लेन निकला, एरोप्लेन भी निकला है। इस बार खिलौने मस्त निकल रहे हैं, पिछली बार से अलग निकल रहे हैं। तो उधर रखते हैं खिलौनों को, इसमें इकट्ठा करेंगे हम जो छोटी वाली बॉल्स हैं, जो गोलियाँ निकल रही हैं वो वाली रख दो, उधर रख दो सब कुछ। मोबाइल फोन निकला है गाइस, आपको बीच में दिखाना चाह रहा हूँ। देखो इसमें जो है छोटा सा फोन निकला है जिसमें छोटा भीम बना हुआ है, बटन्स भी हैं और बटन दबते भी हैं गाइस। ये जो बटन से प्रेस भी हो रहे हैं, ओह सॉरी। चलो 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 निकाल लो। तो भाई फाइनली हमने सारे के सारे पैकेट्स को खोल दिया है और यहाँ पर है इनमें जो टॉयज निकले हैं वो, और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर काफी सारे नोट्स भी हैं, 10-10 रुपए के, 2000 रुपए के, ये जो है कूपन है जो इन्हीं में निकले हैं। और जो खिलौने हैं वो जो है सारे पन्नियों में पैक हैं, आप लोग देखो इस तरीके के। तो हम जो है इनको बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये है कमाल की चीज दोस्तों, ये जो है आप लोग देखो कि इस तरीके की गोल गोल छोटी छोटी शुगर, आप क्या कह सकते हो इसको, कैंडीज कह सकते हो या फिर इसको क्या बोलोगे आप, छोटी छोटी ऐसी जो है गोलियां हैं जो कि मीठी हैं गाइस। ये देखो यहाँ पर एक चश्मा इसमें निकला है तो इसने लगा रखा है पहले ही अंकित ने, तो मैं जो है इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरा वाला हटा देता हूँ और ओ शिट गाइस देखो यहाँ आगे तो ये खत्म हो गया, अब आगे कैसे लगाऊं इसको, कैसे लगाया तूने, ये नाक में अटका रखा है क्या? तो गाइस हाँ ठीक है ये जो है यहाँ फंसा हुआ है, देखो ये जो है कहीं पर भी रुका नहीं है, ये सिर्फ नाक के ऊपर फंसा हुआ है, इसके भी नाक पे फंसा हुआ है। तो गाइस मस्त है यार ऐसे, तो चलो ऐसे ही खोलते हैं, चलो निकाल लो सबको बाहर। फाइनली सारी चीजों को हमने इनाम से बाहर निकाल लिया और अब है बारी आपको दिखाने की कि क्या क्या निकले हैं। इस बार जो है काफी सारी नई नई चीजें भी निकली हैं। तो भाई शुरुआत करेंगे फाइटर जेट के साथ में, और यहाँ पर आप लोग देखोगे अलग अलग तरीके के भाई साहब फाइटर जेट है, देखो बिल्कुल खतरनाक खतरनाक। और ये हमको मिले इसमें 12 यानी कि 12। इसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों ये बाइक जो कि काफी बड़े साइज की है, देखो कोई कोई सिंगल है इस तरीके से देखो, और कोई कोई जो है डबल, 2 सवारी बैठी हुई है, किसी पे एक है किसी पे 2 है। और ये जो बाइक्स है ये है भाई 21। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आपको इस साइड में मिलेगी स्कूटी, देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर देखो ये स्कूटी, ओ बच गई गाइस, 3 स्कूटी यहाँ रखी है, अबे गिर गई, और 3 स्कूटी यहाँ रखी है, देखो ये जो है 9 नहीं है ये 6 है ठीक है। और ये है बाइक्स, ये है 22, और ये जो थोड़ी पतली वाली बाइक थी, ये वाली जो थोड़ी कुपोषित हम बता रहे थे वो है 23 यानी कि 23। तो यार कुल मिलाकर के काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें निकली हैं, देखो कितने सारे यहाँ पर ये फैल रखे हैं। आ जाओ इसके बाद और चीज़ें बची हैं बहुत सारी हैं अभी। तो उसके बाद ये है कार, यहाँ से होती हैं शुरू और देखो कहाँ तक जाती हैं,
गाड़ियों की यहाँ पर संख्या है 29, यानी 29 गाड़ियाँ निकली हैं। उसके बाद में इस तरीके की छोटी छोटी नन्नी मुन्नी गाड़ियाँ जो है ये देखो ये 11 निकली हैं, 11 इस तरीके की अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। इसके बाद ये आता है दोस्तों डमरू। अब आप सोच रहे हो कि ये भाई कैसा डमरू है, तो आपको बजा कर दिखाते हैं। हमने एक सेट किया था, ये रहा, ये देखो, ये जो कट 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 करता है, और बच्चों को ये करने में मजा बहुत आता है। छोटा सा है लेकिन काफी मजेदार है। उसके बाद में ये जो है यार, ये कुछ सीढ़ी का सा कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि ऐसे चलता है कि इसमें फंसा रहता है, फिर ये इधर आ जाता है। तो ये हमारे पास में 13 निकले टोटल। इस तरीके की गन्स की बात करें तो ये निकली है 11, और इनमें जो है देखो ऐसी गोलियां डलती हैं, गोलियां थोड़ी गोले हैं यार ये, और ये इसके अंदर डल के ये चलती भी है, इसमें रबर बैंड लगा हुआ है। गाइस इसमें जो है ये लग चुका है, मैं इसको दबाता हूं। देखो इसमें जगह कम है, मेरी उंगली मुश्किल से आ रही है, और ओ यार चलती है, सही है। तो अलग अलग तरीके की गन है यहाँ पर। 4 मोबाइल फोन, अब ये किसने रखा है? 4 फोन है, एक ये इस तरीके का है, ये भी लॉन्चर है, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये इस तरीके के 5 यार ये क्या है, ये स्केट बोर्ड है या क्या, कैरम बोर्ड है, और इस पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है देखो, और छोटा भीम बना हुआ है, किसी पे डोरेमोन बना हुआ है। ये है दोस्तों स्पिनर, बहुत सारे स्पिनर इसमें जो है, टोटल 36 स्पिनर है। अबे ये क्या किया है तुम लोगों ने? गाइज यहाँ पर कुछ पजल भी हैं जो कि स्पिनर, अब ये पजल है गोल वाला, ये स्पिनर नहीं है, ये इसमें रख रखा है। एक ये रहा, 2 ये रहे, यानी कि 3 कम है, 33 है और 3 पजल है, और क्या बच गया, चश्मा। गाइज ये है कमाल की चीज़, ये है बहुत ही मज़ेदार चीज़। मैंने अपना चश्मा लगा रखा है, और ऊपर से एक और लगा सकते हैं। इस चश्मे में पता है ये तो है ही, साथ में दाढ़ी मुझे भी है और नाक भी है, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार। और चश्मे निकले इसमें 9 अलग अलग कलर्स के, ठीक है। और क्या बच गया, अरे हाँ गाइज यहाँ पर जो वाइपर है आप लोग देखो कि ये है 2, 2, 4, 2, 6, 6 वहाँ, ये यार उल्टा है, ये 6 है। तो यहाँ पर जो 6 वाइपर से देखो कितना मस्त तरीके से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मास्क बचे हुए हैं, सारे मास्क जो है एक जैसे लेकिन कलर अलग अलग है। ये कौन सी मूवी का मास्क है जरा बताओ यार। और ये जो है 12 है, यानी कि 12 है। और क्या बचिया, क्रिस का नहीं लग रहा है मेरे को यार, मैंने क्रिस भी नहीं देखी, फिर वही बात, ये मास्क है किसका है, जिस भी मूवी का है नीचे कमेंट बताओ कौन सी का है, ठीक है। और क्या, हाँ सबसे जरूरी चीज़ बच गई भैया, यहाँ पर है लक्ष्मी माता यानी कि पैसा। तो भैया 50 रुपये काफ़ी सारे नोट हैं, इस बार गिन के नहीं दिखा रहे आपको, आप देख लो काफ़ी सारे हैं। 100 रुपये के लगभग इतने ही हैं, लगभग यार ये 20-25 नोट्स होंगे, ये भी और ये भी। इसके अलावा अब भरमार है 10 रुपये के नोट की, देखो कितने सारे हैं, पूरी गिड्डी है, पूरा बंडल है। उसके अलावा जो 500 के हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, देखो कितने सारे 500 के, और ये एक्चुअली में कूपन से बच्चों वाले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं 2000 रुपये के, देखो सबसे ही ज़्यादा है, असली में तो निकल जाते थे भैया, क्या बात है, लेकिन यार इनाम है तो ऐसा ही निकलता है। और वहाँ पर देखो वो गोलियाँ भी रखी हुई है। तो भाई मैं अब जो है काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यार, ये निकाल के और बस ये सब दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं दोपहर से। तो भाई इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो अभी के अभी ठोक दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। कितने सारे हुए यार, और इन सभी को नहीं बेचेंगे, नहीं इन सबको बच्चों में बांटेंगे अपन।